एक और अमल जिसके न होने की वजह से शयातीन का हमारे घरों में दखल ज्यादा होने लगता है वो ये कि हम अपने घरों में नफल नमाजों का एहतमाम न करें, सुन्नतों का एहतमाम न करें। याद रखें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलैकुम बिस्सलाह के नमाज की पाबंदी किया करो, फ़इन्ना खैरा सलातिल मरई फी बैतिह, किसी भी मर्द आदमी की सबसे अफजल नमाज उसका घर है कि वो घर में अफजल है कि वो नमाज अदा करे सिवाय फर्ज नमाज के। फर्ज नमाज के लिए जमात की पाबंदी जरूरी है, फर्ज नमाज के लिए जमात में हासिल शामिल रहे, हाजिर रहे, लेकिन फर्ज से पहले की सुन्नतें हों, फर्ज के बाद की सुन्नतें हों या आम नफिल नमाजें हों, याद रखें घरों को इन नमाजों से आबाद रखें, घरों को इन नमाजों से आमाद रखें। याद रखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मर्द आदमी की अफजल नमाज सिवाय फर्ज के उसके घर में अदा की जाए, फर्ज नमाज मस्जिद में अदा हो। मौसा हाजरीन, घरों में नमाजों का अदा न करना, घरों में सुन्नतों की पाबंदी का न करना, याद रखें ये इंसान के घर को मकबरे में तब्दील कर देता है, कब्रस्तान बना देता है। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तानों में तब्दील न करो, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, यानी नमाज का एहतमाम किया जाए। नमाज का एहतमाम करने का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फजर की नमाज को उठे तो दो रकात पहले पढ़ करके मस्जिद चले जाएं, जोहर की नमाज जाना हो घर से निकल रहे हो तो चार रकात घर पे सुन्नत पढ़ लें, जाएं जाकर के फर्ज नमाज मस्जिद में अदा कर लें, इशा की नमाज के बाद आएं आकर के घर पे वितर की नमाज पढ़ लें। याद रखें घरों में कुछ ना कुछ हिस्सा नमाजों का जरूर रखना चाहिए, सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी सुन्नतों की घर में पाबंदी की कोशिश करें, यह बड़ी अच्छी चीज है, घरों में खैर बरकतों के आने का एक बेहतरीन जरिया है और शैतान से बचने, शैतान को घर से बाहर रखने का एक बेहतरीन जरिया है।